हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप स्लाइस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपको लोन अमाउंट ज़्यादा चाहिए तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप मेरे ऐप में दे सकते हैं, मेरी जो बोरो अमाउंट है वो है 57,100 रुपये। 57,000 तक की मुझे अमाउंट मिली है। मैंने ज़िंदगी में कभी भी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, मैंने कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया था, लेकिन फिर भी मुझे इतनी अच्छी खासी अमाउंट मिली है। तो ये मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाला हूँ कि कैसे आप भी अच्छी खासी लोन अमाउंट के लिए ट्राई कर सकते हैं स्लाइस ऐप में। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो इसके लिए आपने दो तीन बातों का खास ध्यान रखना है। जब भी आप स्लाइस ऐप के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो भी आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है उसमें अच्छी खासी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अगर आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन बहुत कम है, तो आपको अमाउंट बहुत कम मिलेगी अगर आप अप्लाई करते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप अपने किसी दोस्त को कह सकते हैं कि वो आपके अकाउंट में 20-25,000 ट्रांसफ़र कर दे, फिर आप उसको 2-3 बार ऐसे एंट्री को घुमाकर अपने अकाउंट में अच्छी खासी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपसे वो पैन नंबर के लिए मांगता है। वो पैन नंबर आपके लिए आइडेंटिटी के लिए नहीं मांगता, ना ही उससे कोई आपका वो प्रूफ लेना है उसने। पैन नंबर वो मांगता है आपके इनकम के प्रूफ के लिए, क्योंकि आपको पता है पैन नंबर से ही हमारी ITR जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फिल की जाती है। तो पैन नंबर जो मांगा जाता है वो आपके इनकम के प्रूफ के लिए मांगा जाता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो और आपने कभी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट है। 5 लाख से नीचे आप इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरें। इससे क्या होगा, आपका इनकम का अच्छा खासा प्रूफ बन जाएगा, जिससे आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है स्लाइस ऐप में। तीसरी जो मेन बात है वो आपने जो ध्यान में रखनी है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो मांगता है आपसे बोलता है भी कि आप अपना रेफरल कोड डालो, आपको किसने रेफर किया, आपको किस फ्रेंड ने इनवाइट किया है। तो आपने वहाँ पे उस बंदे का इनवाइट कोड डालना है जिसकी बोरो अमाउंट अच्छी खासी है, जिसने स्लाइस से अच्छा खासा लोन मिला हुआ है। तो उसी बंदे का अकाउंट डालें आप रेफरल कोड जिसकी बोरो अमाउंट 1 लाख से ऊपर हो। इससे क्या होगा, ऐप वालों को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो इसका नाउन है, जो फ्रेंड है उसका, वो भी अच्छा खासा हमारा कस्टमर है, तो ये भी अच्छा खासा बंदा ही निकलेगा। इससे थोड़ा ट्रस्ट बन जाता है उनको आपके ऊपर। तो यही सी 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखनी है स्लाइस ऐप में लोन को जब आप अप्लाई करते हैं, तो ये 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।